नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी बताएंगे, ब्राह्मण का सपना। दोस्तों, एक वक्त की बात है, किसी शहर में एक कंजूस ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसे भिक्षा में जो सत्तू मिला था उसमें से थोड़ा खाकर बाकी का उसने अपने एक मटके में भरकर रख दिया। फिर उस मटके को खूंटी से टांग दिया और पास में ही खाद डालकर सो गया। सोते सोते वो सपनों की अनोखी दुनिया में खो गया और विचित्र कल्पनाएं करने लगा। दोस्तों, वो सोचने लगा कि जब शहर में अकाल पड़ेगा तो सत्तू को मैं अच्छे दामों में बेचूंगा। सत्तू कम से कम 100 रुपए का हो जाएगा। मैं सत्तू बेचकर बकरियां खरीद लूंगा, बाद में इन बकरियों को बेचकर गाय खरीदूंगा, इसके बाद भैंस और घोड़े भी खरीद लूंगा। कंजूस ब्राह्मण कल्पनाओं की विचित्र दुनिया में पूरी तरह खो चुका था। उसने सोचा कि घोड़ों को अच्छी कीमत पर बेचकर खूब सारा सोना खरीद लूंगा और फिर सोने को अच्छे दाम में बेचकर बड़ा सा घर बनवाऊंगा। मेरी संपत्ति को देखकर कोई भी अपनी बेटी से शादी करवाने को तैयार हो जाएगा। शादी के बाद मेरा जो बच्चा होगा मैं उसका नाम मंगल रखूंगा। फिर जब मेरा बच्चा अपने पैरों पर चलने लगेगा तो मैं दूर से ही उसे खेलता हुआ देखकर आनंद लूंगा। जब बच्चा मुझे परेशान करने लगेगा तो मैं गुस्से में पत्नी को बोलूंगा और कहूंगा कि तुम बच्चे को ठीक से संभाल भी नहीं सकती हो। अगर वह घर के काम में व्यस्त होगी और मेरी बात का पालन नहीं करेगी तब मैं गुस्से में उठकर उसके पास जाऊंगा और उसे पैर से ठोकर मारूंगा। ये सारी बात सोचते सोचते ब्राह्मण का पैर ऊपर उठता है और सत्तू से भरे मटके को ठोकर मार देता है, जिससे उसका मटका टूट जाता है। इस तरह सत्तू से भरे मटके के साथ ही कंजूस ब्राह्मण का सपना भी चकनाचूर हो जाता है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी काम को करते वक्त मन में लोभ नहीं आना चाहिए। लोभ का फल कभी भी मीठा नहीं होता है। साथ ही सिर्फ सपने देखने से सफलता नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत करना भी जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।